हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये शम्स क्लिनिक बोल के बल्लागुड़े में आरटी ऑफिस के पीछे है। ये यहाँ पर जो डॉक्टर है इसका नाम है नाजिया बेगम और इसके हस्बैंड का नाम है इमरान। ये सऊदी रिटर्न है। ये लोग एक क्लिनिक खोल के बैठे थे यहाँ पर और डिमांड करते थे कि हम एक नॉर्मल डिलीवरी करेंगे बोल के। कैसा भी केस आ जान दो हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे बोल के बोलते। मैं आपको उनको सामने से बताता हूँ इसका क्लिनिक। ये शम्स पोली क्लिनिक बोल के बल्लागुड़ा चंद्रांगुटे रोड पे है। ये प्रिंस हॉस्पिटल के प्रिंस फंक्शन हॉल के बाइक साइड है। ये 8 सितंबर का वाकया है। यहाँ पर एक लेडी को लेके आया गया जिसका नाम फातिमा बेगम है। उनके हस्बैंड अजहर है, मोहम्मद अजहर, जो ऑटो ड्राइवर है। और 10-12 हॉस्पिटल में उनको बताया था कि नॉर्मल ऑपरेशन डिलीवरी है, ऑपरेशन की डिलीवरी है, मगर ये डॉक्टर ने कहा कि मैं नॉर्मल करती हूँ बोल के अफोर्ड किए और खुद वो लेडी को लेकर हॉस्पिटल में आने के लिए जिद किया और उन्होंने खुद फोन कर बुलाया। और 18 सितंबर के दिन नाइट में इनका डिलीवरी करे और वो हाई डोज रख के टैबलेट रख के उनका डिलीवरी करे, जिसकी वजह से उनके बच्चेदानी फूट गई और बच्चा अंदर ही बच्ची का इंतकाल हो गया। ऑलरेडी उनको पांच बेटे हैं। ये छठवीं बेटी थी और वो डॉक्टर ने क्या करा, उनको छोड़ के फरार हो गई और बच्ची को सीरियस है बोल के नॉर्मल असरा हॉस्पिटल को भेज दिए। लोग असरा हॉस्पिटल को गए तक वो फरार हो गई और रात में 2 बजे रात को उनका डेथ हो गया। और वैसी कंडीशन में छोड़ के उनको ब्लडिंग रुकी नहीं थी, वो ब्लडिंग के केस में छोड़कर उनको भाग गई वो। और उनके ये छोटे छोटे 5 बच्चे हैं जो माँ से यतीम हो गए। ये 5 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड ऑटो ड्राइवर है। ये देखिए बल्लागुड़े में, और ये बीओमएस डॉक्टर है, कोई क्वालिफिकेशन डॉक्टर नहीं है, बीओमएस डॉक्टर है। और ये डिमांड करती थी कि पब्लिक को कि हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे बोल के। ये मलकपेट में अकबरबाग में रहती है, फरार हो गई है, 10 दिन से इसका पता नहीं है। बच्चों को यतीम कर दी और इनके छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर दी। और इसका हस्बैंड इमरान बोल के वो भी बीओमएस डॉक्टर है। आप लोगों से जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करिए और ये डॉक्टर को पकड़ने में मदद कीजिए, आपसे बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए, अल्लाह हाफिज।